जैन साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करूं अपने चैनल पर। भाई आज बात करेंगे सरकार और एचएसएससी के ड्रामे की। बहुत बड़े बड़े ड्रामे जो हैं एचएसएससी और सरकार रच रही हैं, ये भर्ती पूरी को नहीं होने दे भाई, बिल्कुल को नहीं होने दे भाई। देखो मैंने जितनी भी वीडियो बनाई, पहला ही मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कही दी यह बात कि या तो सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर नॉन सीटी पेपर लेना पड़ेगा। लेकिन इनके ड्रामे, खट्टर साहब के ड्रामे, सब मेन जो है वो खट्टर साहब में है। खट्टर साहब की ये बिल्कुल चाल रही है क्लियर क्लियर। सारे अधिकारियों ने एक बात कह ली साफ साफ कि इस सीटी पॉलिसी में दिक्कत है, इस सीटी पॉलिसी तो बाहर भर्ती कर दो। लेकिन खट्टर साहब मानने ने तैयार हो गई, इज्जत पर बात और आ रही है उस बंदा का, और उस बंदे ने सारी की सारी भर्ती, मतलब नरक होया करे ना, भर्तिया का नरक उसको आगे रखे भाई। अब पूरी ना मुश्किल होंगे भाई। देखो और इसका रीजन जो है ना, वो मैं देना चाहूंगा हरियाणा के यूट्यूबर और हरियाणा के बच्चे, जिसमें मैं खुद भी आऊंगा। उसका रीजन है भाई, हम इकट्ठे तो होते को नहीं, हम पाट जाए हम और सरकार उसका फैसला वो फायदा उठा गया है। अब देखो एक बात सुनो, हाई कोर्ट ने 5 नंबर कैंसिल कर दिए, लेकिन सरकार जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और इस मामले में जा रही है, नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की सोच रही है। लेकिन फिर वो 5 नंबर नॉन 5 नंबर, मतलब है ना, हरियाणा में एक ग्रुप बना है, हमेशा ड्रामा रहा है, बच्चा का भी ग्रुप बने हैं 5 नंबर आले बिना 5 नंबर आले। यार 5 कड़े लोगे तुम, जब भर्ती नहीं होगी तो 5 नंबर कितने लोगे तुम, किसी ने तो लाइक जान दो 5 नंबर लेके घनी लग लिए, बिना 5 आले देख लियो क्यों सुप्रीम कोर्ट में भेजो भाई इस भर्ती ने, कि मैं तो बोला वो भूआगमन में दी कि मैं फूफा लेना गया, कि मैं तो सरकार इसी चाहो भर्ती करना और कि मैं थमको नहीं करने दो। मतलब ये जितने भी है ना, एक यूट्यूबर हैं जो छपरी यूट्यूबर हैं, चेले हैं सरकार के, बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़िया वाला पानी मारने लग रहे हैं, पूरी बाल्टी लेकर जा हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलना। सरकार वैसे भी अल्पमत मारी है, यह सरकार भी गिरेगी और ये भर्ती भी को नहीं होंगी। अब क्वालिफाई होगा या सभी को मौका मिलेगा, बात आप करांगे सारी सारी मोटा माटी बात करांगे। मेरा तो एक के गुस्सा भाई, आज एक हो जाओ, अगर एक नहीं हुए ना हरियाणा के यूट्यूबर और हरियाणा के स्टूडेंट, अगर एक नहीं हुए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सरकार ने कुछ ना पड़ी भाई। अब देखो ये देख लिया होगा तुमने सारा का सारा, कल एक लेटर जारी हुआ था, बहुत से मैसेज आओ थे, मैंने कोई वीडियो कौन बनाई, मैम का सवेरे तक है ना यो क्लियर हो जाएगा सारी चीज, फिर बनावाएंगे। इस लेटर में कुछ कोई, इस लेटर में बस खाली वैकेंट पद मांगे गए हैं और कहा गया है सीटी पॉलिसी के तहत इनको भरा जाएगा। यो जो पिछला लेटर था ना, सेम टू सेम चिपका रखा है और कुछ को नहीं। पहला जो लेटर था उस तरह सेम टू सेम चिपका रखा है, नए पद जो है मांगे गए हैं, भर्ती भर्ती का कुछ कौन बेरा। अरे भर्ती का तो बेरा पटेगा इस चाऊ चत एडवोकेट जो है जनरल बलदेव महाजन जो है, जो बिल्कुल बिल्कुल चेले हैं किसके, खट्टर साहब के, इन्होंने तो अद कर दी। बोलिया वो कया कर ना, खिचड़ी खुआऊंगा तन तो, मतलब जबरदस्ती खिचड़ी खुआई जान लग रही है। खिचड़ी किस तरह खुआई जान लग रही है, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन इस भाई ने स्पष्ट स्पष्ट कही है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटावांगे। अब एक बात बताओ भाई, छुट्टी चल रही है, छुट्टियां में कोई सुनवाई नहीं होनी, और देखो ये तो हालांकि काम पहली पहली उसमें ना फैसला करवा देंगे, ये तो हमेशा कह दिया है, हम तो पहली तारीख में फैसला करवा देंगे, हुए हैं पिछला भी 2 साल ही खराब कर दिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट में तो पहली कहना और होना अलग चीज हो है, भर्ती को नहीं हो भैया। सुप्रीम कोर्ट में गई भर्ती, गई पूरी भर्ती गई भाई, छोड़ो फिर ना ये तो क्वालिफाई वाले ने मौका मिले, ना ये नॉन सीटी ना ये सीटी भर्ती को नहीं हो, किम्मे भी को नहीं हो है। ये इन 5 नंबरा का चक्कर में ना, अपनी इज्जत बचाने का चक्कर में ना इन खराब माटी कर रखी है भाई, पूरी की पूरी बच्चे की खराब माटी कर दी, भी नहीं सुधर रहे। अरे थारा के दिक्कत दे हुए है, और स्टेटा में भी तो ऑन लाग रही है भर्ती, उस हिसाब से कर दो सारी सौदन करो, रद्द सीटी पीटी सब कुछ रद्द करो, 5 नंबर 5 नंबर आ जाओ भाई सारे के सारे, भरवा दो फार्म दोबारा। लेकिन ना यो काम ना है तो ये छपरी यूट्यूबर करने देंगे, ना ये जो है अभ्यर्थी स्टूडेंट जिनने, मतलब मैं कहूँ एक बार देख का हो बिहार में, देखो खान मास्टर उसका मतलब जो ना नीट वाले बच्चे तो कोई संबंध को नहीं, वो पढ़ा भी को नहीं, फिर भी है ना पूरा जोर लगा रहा है, सरकार तो लड़न लग रहा है बंदा,
काल भी स्टेटमेंट दे रखी है उसने, अरे थम तो दे लियो, ये जितने भी हैं फलों के साथ चाल पड़े हैं बिल्कुल, मतलब अगर नू आबादी खण लाग रही है ना, 100 बच्चे बिना 5 नंबर का साथ तो उनके गे लिया वाले हैं, जो 100 बच्चे अगर 101 बच्चे भी है ना 5 नंबर का साथ हैं तो 101 का गे लिया वाले हैं, क्यों भाई अपना स्टैंड क्यों ना रखते, हमने बेरा बाड़ी कि जिस हिसाब से भर्ती करवा दो, छोड़ो यार मेरा तो एक के मानना है ये 5 नंबर भाई पढ़ लियो, 5 नंबर ले लियो, अरे इतने 5 नंबर नहीं लिए जाते थर पे तो भाई क्यों आप तैयारी करो हो, अपना छोड़ दो तैयारी तूरी ने, ठीक है ये सारी चीजें जो हैं क्लियर नहीं होंगी भाई, वो 5 नंबर वाला मामला फिर उल्टा चाल पड़ा, अरे इसने चलाने वाले हैं अभ्यर्थी यूट्यूबर जो सरकार तक बार बार में ना थोड़ी थोड़ी उंगली लगा रहे हैं, लेने 5 नंबर ले लो 5 नंबर, 5 नंबर का चक्कर में या भर्ती गई सुप्रीम कोर्ट, कित गई सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में ये तो कहें पहला में हमने अंतरिम पहले अंतरिम फैसले का इंतजार करा कर देंगे काम कुछ को नहीं होना पहला वेला, इन पर 3 महीने का टाइम बच रहा है, फ्लोर टेस्ट में ये फेल होने वाले हैं, ठीक है इनकी सरकार इनकी गिरेगी गिरेगी सरकार है, ठीक है तो बस गया काम गई बहस पानी में। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं भाई, अगर थोड़ा बहुत सारे भाई सारे यूट्यूबर इतनी वीडियो ने शेयर कर दो भाई खुली कहूमत हो सारी गलती सरकार की सारी गलती HSSC की, ठीक है ईब आवाज उठाओ बिल्कुल खुला तरीक़त आवाज उठाओ नूनी बिल्कुल ओपन मागन है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर में नाम नहीं लूंगा भाई किसी का भी, ठीक है जितने भी हैं सारे खुला मागन है, कहो सारे मिलो मुख्यमंत्री तीब तो सारे मिलेंगे, मुख्यमंत्री तो मिलो सारे तो मिलो, वो तो मतलब कैबिनेट मंत्री बना दिया खट्टर वो खचारा उसने हरियाणा का तो नाश कर दिया, इब भी अड़ रहा है ना ये 5 नंबर खातर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अरे सुप्रीम कोर्ट का चक्कर में भर्ती तो गई, भर्तिया का टाइम तो जाने लग गया है, ठीक है इन्हें सिंपल सिंपल कहो क्यों नहीं ये 5 नंबर हटाओ क्योंकि ये दिक्कत देने लग रहे हैं, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम लीन ले भी लिया 5 नंबर लगाने का फैसला तो कल लेने दोबारा फिर केस होगा सुप्रीम कोर्ट पर, फिर भर्तिया पर दिक्कत आओगी, ठीक है क्यों बिना बात की चीजें करने लग रहे हो जो किसी स्टेट में है ही नहीं, ये एक्स्ट्रा ये प्री की रेवड़ी है ही नहीं तो तुम जबरदस्ती क्यों देने लग रहे हो भाई, भंडारा वाले भी पूछा कर खाना खाओगे ना खावा तो चले जाए, लेकिन तुम तो जबरदस्ती बिठा बिठा का खाना खुआना लग रहे हो, मतलब बात है यार, अरे ये बच्चे बिनो इन डॉक्यूमेंट करो यो हो गया फलाना हो गया ढिकड़ा हो गया कुछ को नहीं होया, ठीक है ना ये कुछ भर्ती भर्ती भाई सुन लो मेरी बात, नहीं भर्ती CET non-CET इसका एक के सोल्यूशन था, जो सोल्यूशन अधिकारियों ने कराया था, अधिकारियों ने एक के बात सरकार के सामने रखी थी कि एक काम कर सको या तो CET को क्वालिफाई कर दो या फिर non-CET कुछ पद ले लो, कुछ non-CET और कुछ CET ले लो और इस आधार पर भर्ती कर दो, ये 5 नंबर हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी न कैंसिल कर दो, यह बात अधिकारी है ना सरकार का आगे रखी थी, लेकिन सरकार ने क्या करी अपना विचार खातर नुमाइंदा कर दिया ये एडवोकेट, वो हिम्मत और भी खराब भाई HSSC का चेहरा वो कती बड़ी आला मतलब पानी मार है सरकार के, ठीक है बोले मैं वकील हूँ मैं यो हूँ मैं फलाना हूँ मैं डिकड़ा हूँ किमें को नहीं, सिंपल सिंपल बात तम कम इन अटकानी है भर्ती, ईब अगर आवाज नहीं उठाई तुमने, आवाज उठाओगे तो ले रहोगे, आवाज उठाओगे तो क्वालिफाई भी करवा रहोगे, आवाज उठाई तो non-CET की भी भर्ती हो जाएगी, आवाज उठाने सारा काम होगा, एक होना पड़ेगा नूनी कि 5 नंबर आले अलग हैं बिना 5 नंबर आले अलग हैं, भाई सिंपल सी बात है ये 5 नंबर थम थोड़ी तैयारी कर लो सारे भाई याद करूंगा जो इनका 5 नंबर कौन मिलते मन कदे नू सोचो तो नो ना मिलता इस मारी का है, ठीक है किसी ने मिलते हो ना मिलते इन 5 नंबर ने गोभी खोद दी भर्ती होने दी कोई नहीं ले लो 5 नंबर कड़े थे लोगे, तो भाई इतना ही है एक रिक्वेस्ट है ज़्यादा ज़्यादा वीडियो में शेयर कर दो और भाई सारे यूट्यूबर तक कह दो बिल्कुल क्लियर क्लियर पर्सनल फोन करो जिसका भी जो कॉन्टैक्ट में भाई बहिष्कार खुला बहिष्कार करो जब काम चल रहा खुला बहिष्कार करो खुला हो भाई, मैं भी जल्दी मतलब जो है बढ़िया तरीके से कोशिश करी जाएगी, जय हिंद साथियों जय भारत।